गढ़वा का अंतरराज्य बस स्टैंड पर उस वक्त यात्रियों के बीच दहशत देखने को मिला जब एक साथ सात लावारिस बैग बस स्टैंड पर देखने को मिला। इसके बाद बस यात्री और कर्मचारियों में हड़कंप देखा गया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने बस स्टैंड को घेरे में लेकर जांच शुरू कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जो ये मामला आया है बैग वाला, ये क्या कुछ है? इसमें पुलिस अभी अभी तक क्या कुछ की है कार्रवाई? इसमें जांच चल रही है। अब तो बैग मिला है, बैग के बाद डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची यहाँ पर, सीआरपीएफ से उसका जांच हुआ और जांच में निकला अभी शुरुआती में कि उसमें सारे बैग में पाउडर निकला। अब उसमें यह जांच किया जा रहा है कि आखिर जो पाउडर निकला है वह क्या है, उस पाउडर में अफीम का है या किस चीज का पाउडर है, इसे लेकर जांच किया जा रहा है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या है। लेकिन जितना देर पहले सुबह से लेकर अभी तक जो जांच प्रक्रिया चली, बैग वहां पर पड़ा रहा, निश्चित रूप से दहशत का माहौल रहा, लोग खौफ ज्यादा रहे। इसलिए कि बस स्टैंड जो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, वहां पर कई राज्यों की बसें वहां से खुलती हैं, लोग आते हैं वहां पर, बस कर्मचारी से लेकर यात्री तक सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। सारे लोग खौफ ज्यादा रहे कि हो ना हो बैग में आखिर क्या है, बम को लेकर भी संदेह रहा। जिस तरह से गढ़वा जो है झारखंड का जो जिला है, नक्सल प्रभावित अपराधग्रस्त जिला रहा है, इसे लेकर भी लोग संदेह व्यक्त कर रहे थे। कि जब जांच हुआ, बैग खुला और उसमें देखा गया कि सारे बैग में पाउडर है, अभी भी लोग सत्य में आखिर यह सोच करके हैं कि आखिर बैग जिनमें से जो पाउडर निकला है वो किस चीज का पाउडर है। शुरुआती जो कर रही थी उसमें नशे का पाउडर की बात की जा रही है, लेकिन जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाता है तब तक स्पष्ट उससे कहा नहीं जा सकता है कि आखिर वह पाउडर क्या है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि अगर कुछ साधारण चीज होता हुआ पाउडर तो लोग जिसका था वह छोड़कर नहीं भागता, निश्चित रूप से वह काफी जनक सामान है तभी उसके द्वारा छोड़कर इसे भागा गया और इसकी बरामदगी हुई है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वह पाउडर किस चीज का है। ज्यादा जानकारी देने के लिए आशुतोष आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें, जो पूरा मामला है झारखंड के गढ़वा के है, वो नक्सली प्रभावित एरिया भी है।